नमस्कार छात्रों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर, ये कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट में से है और इसमें सभी प्रोग्रामों में इसका अध्ययन किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर को हम डिफाइंड कैसे करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर इज ए लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनी डाटा मॉडल। तो इस तरह से डाटा स्ट्रक्चर को हम लोगों ने, डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए डाटा। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए डाटा। इन अदर वर्ड, डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑल डाटा आइटम दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो डाटा स्ट्रक्चर को हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा, किसी भी डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इन रिलेशन और कंटेस्ट में और ये लॉजिकल कंटेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, डाटा स्ट्रक्चर अफेक्ट द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्राम को भी अफेक्ट कर सकता है। डाटा स्ट्रक्चर यदि चेंज होता है तो प्रोग्राम का लॉजिक चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर। यू नो दैट एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पार्टिकुलर फंक्शन और ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। पार्टिकुलर इज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि एल्गोरिथम इज ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड डाटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम को कैसे कंसेप्ट है हम लोग ये करते हैं कि सपोज करो कि आप कोई भी चीज बनाते हो, सपोज करो कि एक चाय ही बना रहे हैं हम लोग, चाय बना रहे हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब हम लोग एक मॉडल के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम को अब हम लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करना है। एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एनी पर्टिकुलर फंक्शन। दैट मीन्स एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू कैरी out a certain task and data structure is the way of organize the data with their logical relationship written. अब आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि algorithms और data structures में क्या relation है, कि algorithm is a set of instructions written to carry out a certain task and the data structure is the way of organizing the data with their logical relationship retained. जो logical relationship है किसी भी processes का एक model से दूसरे models में या एक step से दूसरे step में जो relationship है उसको organize करता है, उसको define करता है। तो हम लोग पहले से ये जनरल कंफ्यूजन रखते हैं, एक डाउट रखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है सेम चीज है, जैसे कि सेम वे में हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन ये इससे आप लोग एकदम क्लियर हो जाइए कि एल्गोरिथम इज अ डिफरेंट थिंग्स और डाटा स्ट्रक्चर इज द डिफरेंट थिंग्स। To develop a program of an algorithm, you should select the appropriate data structure for the algorithm. इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट आप डिक्लेयर कर लो कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, कौन सा लॉजिकल मॉडल हम यूज कर रहे हैं, कौन सा मैथमेटिकल मॉडल हम यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर द एल्गोरिथम एंड इस एसोसिएटेड डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म ए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को हम लोग डिफाइंड करने के लिए दो चीज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तो एल्गोरिथम क्या होगा और एक डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पहले से फिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का जो अब्स्ट्रैक्ट है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ आवर टारगेट ऑफ दिस टॉपिक इज कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज द जस्ट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर। अब मैं ये सोच रहा हूं कि डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर इज नथिंग एक्सेप्ट द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द डाटा, एंड एल्गोरिथम इज द प्रोसेस प्रोसीजरल स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम या सॉल्विंग द फंक्शन। सॉल्विंग the data structure is the indicate that ki how to organize the data in a certain relation, in a certain model, in a certain way। ab ye hum log yahan par ye dekhenge ki classification of a data structure kya hai, kya types matlab ki data structure ke hote hain। to broadly jo hai, normally jo hai, hum log इसको दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, फर्स्ट प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। कभी कभी हम लोग डाउट हो जाते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर का जो टाइप है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। कुछ है इसका जो बेसिक जो टाइप है ये परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है और नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे कि परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है। देखो हम लोग शुरू में क्या डिफाइन किए कि डाटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स डाटा टाइप, फर्स्ट इज द परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का जो टाइप है ये इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, पॉइंटर है, राइट। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो है डाटा टाइप्स है, डाटा टाइप्स है, लेकिन ये एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर ही है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर लिस्ट होता है और एक नॉन लीनियर लिस्ट होता है। नॉन लीनियर लिस्ट का क्लियर है यहां पर कि लीनियर होगा, एक सर्टेन सीक्वेंस में होगा, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अरे डाट को, लिंक लिस्ट को, स्टैक को, क्यू को। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं ग्राफ को, ट्री को, राइट। तो अब देखिए छात्रों कि हम लोगों ने क्या देखा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है और कितने टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। उन टाइप्स में भी जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया परमिटिव और नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को, तो इसको हम लोग एक एक कर करके स्टडी करेंगे। और ये एक जो टॉपिक है ये हम लोगों को चाहे कंप्यूटर साइंस के किसी भी प्रोग्राम में आप अध्ययन कर रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा का प्रोग्राम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम हो, चाहे वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्राम हो, चाहे वो
मास्टर इन कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम हो, चाहे वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स में हो, सभी में ये टॉपिक हम लोगों को अध्ययन करना है। इसलिए मैं ये सोचा कि इस टॉपिक को की जो बारीकियां हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। और इसमें हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि ये डाटा स्ट्रक्चर यदि आप लोग हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, डाटा स्ट्रक्चर को यदि हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो एक कंप्यूटर साइंस के हर पेपर में आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे हमको रीड करना है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि क्या डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, इसके बाद उसके डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग अध्ययन करते हैं। परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि एक टाइप है, देयर आर अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन। अब मशीन इंस्ट्रक्शन में हम लोग जैसे कोई भी प्रोग्राम है तो उसके कंपाइलर्स में इस डाटा को हम लोग डिफाइंड कर देते हैं, जिसके चलते हम लोग उसको जैसे कि कैरेक्टर लेते हैं या इंटीजर डाटा टाइप को लेते हैं या फ्लोट डाटा टाइप को लेते हैं। तो ये हर डाटा स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर जो है अवेलेबल रहता है और हर प्रोग्रामिंग में इसके इंस्ट्रक्शन डिफाइंड रहते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि उसको कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे डिफाइन करना है, कैसे इसको इंस्ट्रक्ट करना है प्रोग्राम में, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जनरल थ्री दे आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन ए डिफरेंट कंप्यूटर। ये जो डिफरेंट कंप्यूटर हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उसमें जो रिप्रेजेंट करने का स्टाइल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कभी कभी सेम भी होता है। लेकिन इससे नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, दो टाइप्स में देखा नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को, एक नॉन लीनियर लिस्ट को देखा, एक लीनियर लिस्ट को देखा। देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एम्फसाइज ऑन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ ए होमोजेनियस सेम टाइप्स एंड हेट्रोजेनियस डाटा आइटम। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है आपको, जैसे कि हम अध्ययन करते हैं कि एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डाटा जो है सेम टाइप का हो, जैसे कि अरे, अरे में हम लोग जैसे ही लेते हैं अरे को, तो वो जो है उसमें इंटीजर डाटा का टाइप भी डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो डाटा है होमोजेनियस डाटा टाइप है। और जिसमें जो है टाइप्स ऑफ डाटा को डिक्लेयर नहीं करते हैं उसको कहते हैं कि हेट्रोजेनियस है। टाइप्स ऑफ डाटा को डिक्लेयर करने का कंटेस्ट ये है, मतलब ये है कि आप जो है डाटा को फिक्स नहीं कर रहे हैं कि किस टाइप का डाटा है, सभी टाइप्स के डाटा को उसमें कंसीडर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस डाटा आइटम। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को जो हम लोग देखते हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा ये फैमिलराइज करेंगे हम कि एक तो लिस्ट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्टैक है, क्यू है, ये तीनों जो है लीनियर डाटा ये है, लिस्ट है, दे आर द लीनियर। और ये जो ट्री एंड ग्राफ आर एग्जांपल ऑफ ए नॉन लीनियर परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ओके, नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन ऑफ एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर मस्ट टेक द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। अब एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर मस्ट टेक द ऑपरेशन सर्टेन ऑपरेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। ईच एंड एवरी डाटा स्ट्रक्चर हैव ए सर्टेन ऑपरेशन लाइक insertion, deletion, copy, etc. The most common used operation on data structure broadly
categorize into the following type. Three data structure, every data structure have a certain type of operation. First, it create operation. How to create a certain data structure. Suppose if you want to work in linked list, then try to know how to create the linked list, how to create the least data structure. If you want to create the array, then just try to know that how to create the array. Second is selection. Suppose if you have a list of a data and selection is the important operations, or particularly item, if you have a collection of an item and try to select the particular item, so for selecting the particular item, the operation would be known as a selection operation. Third one is updating operation. Updating operation, if you have a list of an item, have a list of a data, and try want to update the list of the data, that operation is the updation, updating the data. Searching, try to find the particular item, particular data from the list of the data. Okay, particular information, if you want to search the particular information, then that is the searching operation. Second is sorting. Searching and sorting is a very important. Suppose sorting, if you want to sort the name in alphabetical order, right? So this is the process of sorting. Kuch sorting jo hai, kitne types ke sorting hai, वो एक एक कर करके हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अध्ययन करेंगे. इसके बाद जो है आपको मर्जिंग. मर्जिंग मीन्स क्या कि सपोज इफ यू हैव ए टू डाटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट और अरे, इफ यू हैव ए टू अरे एंड आफ्टर मर्जिंग the one single array would be formed, that process is known as a merging. So this is the process of a merging. Second is destroyed or delete. Suppose if you want to delete the data or delete the item from the certain list, certain types of a data, you are destroying the data. If you want to destroy the data, suppose karo ki us data ko destroyed karna aap chahte ho, तो उसके लिए भी एक ऑपरेशन जो हम लोग यूज करते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं डिलीट ऑपरेशन. और इस तरह से हम लोगों ने अभी तक इसमें देखा क्या कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप कितने होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो क्या है. तो इस तरह से हम लोग किसी टाइप्स का डाटा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. इस ऑपरेशन को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसमें. इसी तरह से हम लोग इस सभी डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग एक एक कर करके नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अरे, अरे डाटा स्ट्रक्चर. अरे डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं कि अरे इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट और सेम डाटा आइटम. अरे को हम लोग इस डाटा स्ट्रक्चर में ये अज्यूम करते हैं कि दिस इज द सेम टाइप कलेक्शन ऑफ ए सेम टाइप ऑफ डाटा, एंड इट मींस अरे कैन कंटेन द वन टाइप ऑफ ए डाटा ओनली, आइदर ऑल इंटीजर, all float point number or all character. तो इस array को हम लोग जो define करते हैं कि ये एक collection है
सेम टाइप ऑफ ए डाटा को, सेम होमोजेनियस टाइप ऑफ ए डाटा को, तो हम लोग इसको अरे बोलते हैं। सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ ए अरे को हम लोग जो डिफाइंड करते हैं कि लाइक एज ए इंट अरे, इसका जो साइज ऑफ द अरे इज दैट थिंग। दैट मीन्स व्हाट, कि अरे जो है एक ए स्ट्रक्चर जो है, डाटा स्ट्रक्चर जो है एक अरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, और इसमें जो आइटम है इंटीजर टाइप के आइटम है, और इसकी साइज जो है मैक्सिमम 0 to 10 है, राइट। तो इस डाटा स्ट्रक्चर को, ये जो हम लोग 10 पॉइंट जो ये लोग हम लोग जो मार्क किए हैं, ये इंडिकेट करता है साइज और लेंथ ऑफ द अरे। ये इंटीजर करता है कि ये एक नॉन प्रिमिटिव, सॉरी प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है कि इसमें जो है इंटीजर टाइप के आइटम है, और ये जो इंडिकेट करता है कि अरे अरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। वेयर इंट स्पेसिफाई द डाटा टाइप, टाइप्स ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए अरे स्टोर्ड, एंड अरे इज द नेम ऑफ द अरे। अरे ये यहां पर कोई अरे नाम का कोई ऐसा नहीं है, नेम ऑफ द अरे है, ये कुछ भी हो सकता है, है? अरे को, एंड द नंबर स्पेसिफाइड इन साइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट एन अरे कैन स्टोर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द साइज एंड लेंथ ऑफ द अरे। तो हम सोच रहे हैं आप, मैं अब ये आशा रखता हूं कि आप लोग अरे के जो डिफाइंड करने का या अरे को अंडरस्टैंडिंग करने का जो आइडिया होगा ये क्लियर हो गया। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके अलावा भी द फॉलोइंग रिमेंबर अबाउट द अरे, द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन अरे कैन असिस्ट बाय द स्पेसिफाइंग नेम ऑफ द अरे फॉलोइंग बाय द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज इंडेक्स 0, इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी स्पेसिफाइड एज ए अरे 0 एंड अरे 9। सपोज इफ यू हैव ए साइज ऑफ द साइज एंड लेंथ, साइज और लेंथ ऑफ द अरे इज 10, then that should be indicated with the array 0 will be the first element, first item, and array 9 would be the last item. So you can respectively you can try to understand that ki how to represent the array. The element of array will always be stored in the consecutive continuous memory location. तो जो element of the array है वो consecutive location पर store होता है computer memory में, इसको ये ध्यान में रखना आप लोग। And the number of element that can be stored in an array, that is the size of array or its length is given by the following equation. Right? Following equation means what? This is the upper bound, lower bound, plus 1. Upper bound is 9. Upper bound is 9 and lower bound is 0 and plus 1. That means ki if you have a size 10, the last element would be array 9, size location 9, and 9 minus 0 plus 1, that is the size or length of the array. Same way, where the 0 is the lower bound of array and 9 is the upper bound of array, array can always be read or written through the loop. Okay? If you read one dimensional array, it required the one loop and reading loop for reading and other for writing the array.
फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द लूपिंग सिस्टम इज देयर, एंड फॉर लूपिंग सिस्टम मीन्स रिपीटेटिव आइटम कैन बी रिटन थ्रू द लूप. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लूप फॉर C, C++ language and other language is for loop. For loop is what? Ki how to write the number from 1 to 0, 1 to 9, 1 to n. That means ki loop, for loop I is equal to 0, I less than equal to 9 and I plus plus. How to move? Suppose I is the pointer on finding the location of the array. Eh? Then it started with the 0. 0 means the lower bound. And up to go up to 9 upper bound. And from 1 to upper bound to lower bound, one increment will be there. That is the also indicate that this is the consecutive manner of the location. A scanf is the input function for C language, and this is the structure of the scanf, and this is the address operator AI. All array up to 1 to 9 will be there. For example, writing, this is the A scanf, that means input of the array, and that is the display of the array, printf of the array. Printf is the output function of C language, and that will be the print or write the array from I through the I assigned to 0 up till to 9 and I plus plus. Increment, this is the increment operator, and print the array. So in computer, how to input the array and how to write the array, how to display the array, you can use that. If you are reading or writing the two-dimensional array, it would be the required, the two loop, right? And similarly, the array of n dimension would be required the n loop. Okay. For one dimension array, one loop will be required. For more dimension, n dimension, for n loop would be required. Creation of an array, some common operation performed on the array are creation of an array and traversing of an array. Right? Same operation as like as a data structure, insertion of a new element, deletion of a required element, modification of an element, merging of an array. If your two array will be merged, right? List is also a linear types of a data structure, non-primitive linear type of data structure. Can be defined as a collection of a variable number of a data item. List are the most commonly used non-primitive data structure. An element of the list must contain the at least two fields. One is storing data of or information, and other is storing the address of the next element. As you know, the storing address, you have a special data structure of the list, and array must be a pointer type. देखो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक अरे को एक एक टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग अध्ययन करेंगे. इसमें से प्रोडक्शन है जो कि एक लिस्ट का भी एक डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट टाइप्स का एक डाटा स्ट्रक्चर होता है. इसको इसमें दो आइटम होते हैं, एक जो होता है इन्फो पार्ट होता है, दूसरा जो है लिंक पार्ट होता है. अब लिस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द हेड फर्स्ट लिस्ट, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द लिंक पार्ट, एंड दिस इज द नल. आफ्टर दैट दिस इज द नो लिस्ट, नो नेक्स्ट आइटम इज देयर. सो लिस्ट टाइप
टाइप्स ऑफ लिस्ट जो होता है, सिंगल लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है, सिंगल सर्कुलर लिस्ट होता है, डबली सर्कुलर लिस्ट होता है। स्टैक इज ऑल्सो द ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट लाइक ए अरे, बट इट हैज ए स्पेशल फीचर दैट डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ ए एलिमेंट कैन बी डन ओनली फ्रॉम वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक में दो ऑपरेशन परफॉर्म केवल करते हैं, एक पुश ऑपरेशन, एक पॉप ऑपरेशन। ड्यू दिस प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट टाइप ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट फॉर्म दैट कैन बी नोन एज ए लीफो टाइप ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर, लीफो टाइप। इट कुड बी थॉट जस्ट लाइक एज ए स्टैक ऑफ ए प्लेट प्लेस्ड ऑन ए टेबल ए पार्टी। इन ए पार्टी ए गेस्ट ऑलवेज टेक ऑफ ए फ्रेश प्लेट फ्रॉम द टॉप एंड न्यू प्लेट आर प्लेस्ड टू द स्टैक एट द टॉप। इट इज ए नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। व्हेन एन एलिमेंट इंसर्टेड इनटू द स्टैक, रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक, इट बेस्ट रिमेन द फिक्स्ड वेयर द टॉप स्टैक इज चेंज। ऑल द ऑपरेशन ऑफ ए स्टैक from the top. This is the basic operation of stack. Insertion of an element into the stack is called push. Deletion of the element from the stack is called pop. The below show the figure. This figure you can hear. This is the stack. And deletion of the item known as a pop and insertion of the item is known as a push, insertion, push. Sorry, that mark will be in that side. So, a stack can be implemented into two ways, using the array, static implementation, using the pointer, dynamic implementation. And another type of a data structure is queue. This is the type of a FIFO type of data structure. And in that types of a data structure, just like as a make a queue and two point is there, front and rear. Front is the just as a next point, as like as a queue. People standing the railway reservation are the example of the queue. All there are two operation. There is the front operation and deletion operation in the queue is the from front, and insertion operation is from the rear side. This is the example of the key here, rear part. This is the in front part. Then front part, next, taking the ticket, after taking the ticket, that will be deleted, and then first next point will be the front. And if you want the some insert this right side, you can insert it. Queue can be implemented in a static and dynamic implementation. And last one is the non-linear, non-primitive data structure. One example is tree. Tree, just like as a natural tree, have a root and has a branches, has a leaf. Okay? Same types of a data structure is there, and it is the hierarchical representation of a relationship. Hierarchical representation. Suppose like as a grandfather, grandmother, father, mother, brother, sister, like as data structure. You can study with the in tree. There is a special data item at the top hierarchy called the root tree, and remaining data item partition into the number of mutual exclusive subset, which is the itself a tree, which is called the subtree. Tree always grow in the length toward the bottom in a data structure, unlike a natural tree which is grows upward. What is the differences between the natural tree and this tree? In data structure, pre-data structure, the length toward the bottom.
अनलाइक नेचुरल ट्री ग्रोथ टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन. सो जस्ट एज एग्जाम्पल ऑफ द ट्री, दिस इज द रूट एंड दे आर द सब रूट सब ब्रांच ऑफ द ट्री and this is are the leaf of the tree, if not, and in same way, the one of the important data structure is graph. Graph is a mathematical non-linear data structure capable to representing the many kind of a physical structure. Graph, just like graph ka example क्या दिया जा सकता है. इन दिस स्ट्रक्चर टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज देयर. फर्स्ट इज नोड एंड सेकंड इज एड्स. तो सपोज इफ यू हैव ए स्ट्रक्चर ऑफ रोड ऑफ ए सिटी इज द एग्जांपल ऑफ द ग्राफ. जंक्शन क्रॉसिंग इज द नोड एंड रोड इज द एड्स. And definition of a graph is just as a combination of the vertices and edges. Is a set of a vertices and set of a edges. And edges connect the pair of vertices. Many have a weight such as a length, cost, another measuring instrument according to the graph. Vertices on the graph are shown as the point or a circle in and edges of are drawn from drawn as a arc or line of the L segment. Example of the graph is like as this is the node, this is the edges, vertices, and they, that point represent the weight of the weight is. Basically, it is also be a two type directed or undirected graph. Types of a graph like as directed graph, undirected graph, simple graph, weighted graph, connected graph, non-connected graph is like that. So, in this class you have studies about the data structure, about the definition of a data structure, type of a data structure, non-primitive types of data structure, primitive type of a data structure, and after that you have to study each by each and every types of a data structure have a numbers of point and numbers of point of discussion. So in next class I will discuss about the stack operation. Thank you.